वेलकम, दिस इज़ कासिम यासर फ्रॉम एन एम एसोसिएट्स। वेलकम टू एन एम एसोसिएट्स प्रॉपर्टी टूर। आज हम आपके लिए लेक सिटी लाहौर के ब्लॉक M3 में एक कैनाल का बहुत ही एलिगेंट किस्म का मॉडर्न एलिवेशन हाउस लेकर आए हैं। आपके सामने घर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले इसकी बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में गार्डन एरिया मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरती से डेकोरेट है, काफ़ी अच्छी फ्रंट एलिवेशन, डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन और उसके साथ ब्लैक टच दिया गया इसको। इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है, जिसमें आपको प्लांटेशंस भी मिल जाती हैं, ब्लैक और डार्क ग्रे एंड ग्रे कलर कॉम्बिनेशन इसमें रखा गया है। लाइट्स काफ़ी खूबसूरत लगाई गई हैं। चलें इसके मेन गेट की बात करें तो आपको एक प्रॉपर ब्लैक कलर में मेन गेट मिलता है एंड काफ़ी खूबसूरत किस्म की फ्रंट एलिवेशन मिलती है एंड फ्रंट बालकनी भी मिलती है, जो कि हम आगे जाके आपको वीडियो में दिखाएंगे। इस घर के अंदर चलते हैं तो इस घर के अंदर जाते हुए सबसे पहले आपको गैरेज एरिया मिल जाता है, जिसमें इजीली आप 4 बड़ी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। प्लांटेशंस भी आपको ऑलरेडी मिल जाती हैं एंड आपको एंट्रेंस के ऊपर फॉल सीलिंग मिल जाती है वुडन, और बाकी भी फॉल सीलिंग मिल जाती है एंड मोज़ेक डिज़ाइन जिसमें अल्लाह का नाम आपको मिल जाता है। इस तरफ आपको गार्डन स्पेस मिल जाती है विद हाईलाइटिंग लाइट्स। आप नीचे देख सकते हैं हाईलाइटिंग लाइट्स दी गई हैं, जो कि पौधों को एक बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। ये वॉकिंग पाथवे मिलता है आपको, वॉकिंग पाथवे से इधर आपको सिटिंग एरिया मिलता है, जो कि प्रॉपरली आप देख सकते हैं शेल्टर्ड सिटिंग एरिया, पंखा लगा हुआ है, आपको कुर्सियाँ एंड प्लांटेशंस भी मिलती हैं प्रॉपर, और इसके अलावा लाइटिंग भी मिलती है जिधर आप अपनी टी और बाकी चीज़ें शाम की पार्टीज़ वगैरह को इंजॉय कर सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन आप क्लोज लुक दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन की इस जगह पर फुल वुडन वर्क किया गया है एंड लाइट्स लगाई गई हैं। चलें इस घर के एंट्रेंस की तरफ चलते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंट्रेंस के ऊपर आपको फुल वुडन फॉल सीलिंग मिल जाती है काफ़ी खूबसूरत किस्म की एंड देन उसके बाद आपको ग्रैंड एंट्रेंस मिलती है 10 फुट की, जिसमें वुडन डोर यूज़ किया गया सॉलिड, जिसके साथ आपको ब्लैक ग्लास मिलता है। अंदर एंटर हो तो सबसे पहले आपको डबल हाइटेड लॉबी मिल जाती है, जिसमें ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है एंड शैंडलियर मिल जाता है। ग्रैंड एंट्रेंस है जिसमें आपको इधर कंसोल मिल जाता है काफ़ी खूबसूरत किस्म का, ब्लैक एंड गोल्डन कलर थीम में, जिसके ऊपर आपको एंटीक पीसीज भी मिल जाते हैं, साथ में आपको लैंप्स भी मिल जाते हैं एंड प्लांटेशंस भी मिल जाती हैं, और एक आपको मिरर मिल जाता है। इधर आपको पाउडर रूम मिलता है, इस घर का पाउडर रूम की तरफ जाएँ इधर आप अपने गेस्ट वगैरह को एंटरटेन कर सकते हैं, तो फुली टाइल्ड पाउडर रूम है जिसमें वैनिटी भी यूज़ की गई है एंड आप देख सकते हैं जगह को कैसे यूटिलाइज़ किया गया, हाईलाइटिंग लाइट्स लगाई गई हैं एंड कंसील्ड एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं। आगे चलते हैं तो इस घर के डाइनिंग एरिया एंड ड्राइंग एरिया की तरफ चलते हैं, तो उससे पहले आपको लॉबी टाइप एरिया मिलता है, जो कि टीवी लॉन्च, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया को कनेक्ट करता है, जिसमें शैंडलियर और ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिलती है वुडन फॉल सीलिंग विद हाईलाइटिंग लाइट। चले इसके ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में चलते हैं, जो कि कम्बाइन है, जिसमें सबसे पहले एंटर हुए तो आपको बहुत ही एलिगेंट किस्म का वार्म किस्म का वेलकम मिलता है। नीचे आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है एंड आप साइड्स पे देख सकते हैं आपको काफ़ी खूबसूरत किस्म के वॉल हैंगिंग लैंप्स मिलते हैं एक यूनिक डिज़ाइन में। ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, जिसमें अगेन हाइलाइटिंग लाइट्स यूज़ किए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत आपको शैंडलियर और फैंस मिल जाते हैं, जो कि रिमोट कंट्रोल्ड हैं, जिन पर आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आर्टिफिशियल प्लांटेशंस मिल जाती हैं एंड सामने अगेन आपको शैंडलियर मिल जाता है डाइनिंग एरिया के बिल्कुल नीचे एंड इसके सामने आपको रेक्टेंगुलर शेप में मिरर वॉल मिल जाती है। आगे चलते हैं इसके टीवी लॉन्च एरिया की तरफ, टीवी लॉन्च एरिया की तरफ जाएं तो आपको टीवी लॉन्च एरिया मिलता है। टीवी लॉन्च एरिया में अगर आपको एंटर हो तो आप देखें काफ़ी स्पेशियस टीवी लॉन्च एरिया, जिसमें अगेन फॉल सीलिंग की गई है, हाईलाइटिंग लाइट यूज़ की गया है एंड इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर आपको ब्लैक लाइन मिलेगी, जो कि इसको बहुत ही एलिगेंट किस्म की लुक देती है। पेंटिंग्स इंस्टॉल्ड हैं, आप देख सकते हैं मीडिया वॉल फुली वुडन मीडिया वॉल है, जिसमें ब्रास का यूज़ किया गया है, पीछे हाईलाइटिंग लाइट्स का यूज़ किया गया, नीचे आपको कंसोल भी दिया गया एंड साइड पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस एंड एंटीक पीसेज और डेकोरेशन पीसेज रखने की जगह दी गई है और रखे भी गए हैं। आपको शंडे भी मिल जाते हैं, ड्यूल फैन मिल जाते हैं, अगेन ये फैन भी रिमोटली कंट्रोल्ड है, आप उनको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। देन आपको स्लाइडिंग डोर के फॉर्म में किचन का डोर मिलता है एंड आपको किचन मिलता है, काफ़ी ग्रैंड किचन है, काफ़ी स्पेशियस किचन है, जिसमें आपको डबल डोर फ्रिज मिल जाता है, आपको माइक्रोवेव ओवन मिल जाता है, अगेन डेकोरेशन पीसेज रखने की जगह
एंड उसके पीछे हाईलाइटिंग लाइट्स लगाई गई हैं जो कि इसका एक बहुत ही एलिगेंट किस्म की लुक देती हैं। आपको कैनन का वुडन स्टोव मिल जाता है, प्रॉपर आपको रैक्स मिल जाते हैं, ड्रॉज मिल जाती हैं एंड कैबिनेट्स मिल जाती हैं स्टोरेज पर्पज के लिए। इसके साथ ही आपको डर्टी किचन मिल जाता है जिसमें अगेन प्रॉपर रैक्स मिलते हैं, आपको सिंक वगैरह मिल जाता है, वुडन स्टोव भी मिल जाता है एंड आपको ऑटोमेटिक मशीन भी मिल जाती है। इसके अलावा इधर स्टोरेज रैक्स भी आपको बना के दिए गए जिधर आप अपनी चीज़ को ईजीली स्टोर कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं इस घर के बेडरूम्स की तरफ। तो चले पहले इस घर के मास्टर बेडरूम को एक्सप्लोर करते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं सामने अगेन आपको डायमंड शेप में मिरर वॉल मिल जाती है, उसके ऊपर फॉल सीलिंग एंड हाईलाइटिंग लाइट मिल जाती है जो कि एक बहुत ही वाइब्रेंट लुक देती हैं इस घर को। मास्टर बेडरूम में चलते हैं तो मास्टर बेडरूम में अगेन आपको वुडन टाइल मिल जाती हैं, फॉल सीलिंग मिल जाती है जिसमें ऊपर हाईलाइटिंग लाइट्स एंड ब्लैक कलर की लाइंस मिल जाती हैं। बेड वॉल में आपको वुडन टच एंड राइट एंड ब्लैक राइट एंड लेफ्ट साइड पे आपको ब्लैक मिरर मिल जाता है, हाईलाइटिंग लाइट्स इसके पीछे लगाई गई हैं एंड आपको इधर पेंटिंग्स भी मिल जाती हैं, ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल फैन मिल जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत शैंडेलियर मिल जाता है एंड विंडोज़ पर कर्टन्स मिल जाते हैं। कर्टन्स की बैक साइड पर आपको जिस घर की जो भी विंडोज़ हैं उसकी बैक साइड में कमरों के विंडोज़ के पीछे आपको प्लांटेशंस एंड हाईलाइटिंग लाइट्स के साथ बहुत ही खूबसूरत व्यू मिल जाता है। साथ ही इसके आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। अटैच वॉशरूम में आप देख सकते हैं आपको एक बहुत ही एलिगेंट किस्म की वैनिटी दी गई है। इसके साथ आपको कंसील्ड एक्सेसरीज मिलती हैं इस वॉशरूम में। कमोड किस में आपको बैक में फुल टाइल वॉल मिलती है, रेक्टेंगुलर शेप में आपको मिरर मिलता है, कंसील्ड इन वॉल आपको वार्डरोब मिल जाती है, ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है इस घर में एंड सेपरेट बाथिंग एरिया मिल जाता है जिसको आप थ्रू स्लाइडिंग डोर एक्सेस कर सकते हैं। इधर आपको हैंगिंग स्पेस भी मिल जाती है एंड कंसील्ड एक्सेसरी अगेन आपको मिल जाती हैं एंड दिस आप देख सकते हैं इसके फीचर तो ऑटोमेटिक है ये। चलिए आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। गाला की एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं वॉशरूम में, सारी सिंक्स कमोड सारे गाला के यूज़ किए गए हैं। इसके बिल्कुल एडजस्टिंग सामने ही आपको सेकंड बेडरूम मिल जाता है जिसमें अगेन आप देख सकते हैं विंडो वॉल के पीछे आपको फिर प्लांटेशंस मिल जाती हैं, इसमें आपको वो ड्राइंग्स मिल जाती हैं, आपको पिक्चर्स मिल जाती हैं, कर्टन्स डबल कर्टन्स इंस्टॉल्ड है कमरे में, बेड वॉल पर आपको वाल पेपर डिज़ाइन विद सिरेमिक डिज़ाइन मिल जाता है, इधर आपको एक मिरर इंस्टॉल भी मिल जाता है फॉर ड्रेसिंग एरिया। साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है जिसमें अगेन आपको वॉल माउंटेड वार्डरोब मिल जाती है, प्रॉपर आपको एक वैनिटी मिल जाती है काफ़ी बड़े साइज़ की जिसके पीछे टाइल डिज़ाइन है, आपको स्क्वायर शेप मिरर मिल जाता है एंड इसके पीछे हाईलाइटिंग लाइट्स मिल जाती है, कंसील्ड एक्सेसरीज मिल जाती हैं अगेन गाला की एंड आपको सेपरेट बाथिंग स्पेस मिल जाती है जिसमें अगेन डेकोरेशन पीसेस रखे गए हैं, ऊपर आपको इसके फॉल सीलिंग भी मिल जाती है। वॉशरूम फुली टाइल्ड है, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन एंड ग्रेडियंट्स यूज़ किए गए हैं। आगे मूव करते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएं तो आपको स्टेयरकेस में प्लांटेशन भी मिलती है, ड्राइंग्स भी मिलती हैं, आपको वॉलपेपर डिज़ाइन भी मिलता है एंड लाइट के पासिंग थ्रू के लिए एक स्क्वायर शेप विंडो भी मिलती है एंड ऊपर आपको ये शैंडलियर मिल जाता है काफ़ी खूबसूरत विद फॉल सीलिंग। ऊपर चलें तो ऊपर आके सबसे पहले आपको ड्राइंग एरिया मिलता है, कर्टन्स अगेन इंस्टॉल्ड हैं जिसमें आपको ड्यूल फैन मिलता है, रिमोट कंट्रोल फैन, आपको बहुत ही एलिगेंट किस्म का शैंडलियर मिल जाता है एंड देन आपको मीडिया वॉल मिल जाती है, वे नीचे आपको कंसोल मिल जाता है, फुल मीडिया वॉल है जिसके बैक पे आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी, हाईलाइटिंग लाइट्स लगी हुई है, ब्रास यूज़ किया गया है एंड फुल वुडन मीडिया वॉल आपको दी गई है प्रॉपर। चले इसके बेडरूम की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले इसकी बालकनी को एक्सप्लोर करते हैं। ये लॉबी टाइप एरिया से जाके आप इसकी बालकनी को एक्सेस करते सकते हैं जिसमें आपको स्लाइडिंग डोर मिलता है, ड्यूल प्रोटेक्शन के साथ आपको जाली भी मिलती है, विंडो भी, इधर आपको प्रॉपर सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं, वुडन आपको ऊपर फॉल सीलिंग मिलती है इसकी, फुल टाइल ये है एंड आपको प्रॉपर बाय बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है। ये आपको इस घर का फर्स्ट फ्लोर का किचन दिया गया जिसमें गेम आपको
वुडन स्टोव मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, ड्रॉर्स मिल जाती है, कैबिनेट्स मिल जाते हैं, फॉल सीलिंग मिल जाती है एंड हैलोजन लाइट मिल जाती है। एंड इधर आपको वॉशिंग एरिया, बर्तन धोने के एरिया, वॉशिंग एरिया प्रॉपर मिल जाता है। थ्रू दिस डोर आपको साइड बालकनी मिल जाती है जिधर आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह और गीज़र वगैरह लगा सकते हैं। बेडरूम्स की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट बेडरूम आपको इधर लोकेटेड मिल जाता है। आप इसको देख सकते हैं, आपको इसमें वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, बेड वॉल पे आपको वॉलपेपर डिज़ाइन इस्लामिक डिज़ाइन मिल जाता है, ऊपर फॉल सीलिंग मिल जाती है स्ट्रेट लाइंस की विद हाईलाइटिंग लाइट्स, इधर आपको मिरर मिल जाता है, साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। इसमें अगेन आपको काफ़ी खूबसूरत वैनिटी, वॉल माउंटेड वार्डरोब, फुली टाइट वॉशरूम, कंसील एक्सेसरीज एंड सेपरेट बाथिंग एरिया मिल जाता है। आगे चलते हैं तो ये आपको इसका ओपन टू स्काई एरिया या पैशियो एरिया आप कह सकते हैं मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसमें सेटिंग वगैरह भी बनाई गई है। इसमें प्लांटेशंस भी की गई हैं, आपको सेटिंग एरिया भी दिया गया है। अगर आप इसको कवर करके इधर अपना सेटिंग एरिया टी एरिया भी बना सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं आपको स्लैब भी मिल जाती है सेटिंग एरिया के, इसमें आपका मेटालिक डेकोरेशन डिज़ाइन मिल जाता है। आगे मूव करते हैं देन आपको अगेन इधर एक और बेडरूम मिल जाता है जो कि ओपन टू स्काई एरिया के साथ कनेक्टेड है, जिधर से आपको वेंटिलेशन और लाइट के पासिंग थ्रू होगी। वुडन टाइल्स टाइल्स मिलती हैं, ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, बेड वॉल पे आपको फुल वॉलपेपर मिल जाता है एंड साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है अगेन, जिसमें काफ़ी खूबसूरत वैनिटी, रेक्टेंगुलर शेप मिरर, सेपरेट बाथिंग स्पेस मिल जाती है, कंसील एक्सेसरीज एंड वॉल माउंटेड वार्डरोब मिल जाती है। सामने जाने से पहले आपको ऊपर दिखाते हैं जो एरिया है, इसको कनेक्ट करने के लिए एक शैंडलियर लगाया गया है, इधर ऊपर ओपन रखा गया है एंड कैलीग्राफिक मिरर लगाया गया है एंड ऊपर लाइटिंग्स लगाई गई हैं ओपन। देन आपको ये बेडरूम मिल जाता है जिसमें वुडन स्टाइल टाइल, आपको सामने पर्दे मिल जाते हैं, एक पर्दा इधर भी मिल जाता है लाइट्स के लिए एंड इधर आपको बेड वॉल पे वॉलपेपर डिज़ाइन वगैरह मिल जाता है, ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है एंड साथ ही अटैच वॉशरूम मिल जाता है विद अ वेरी यूनिक मिरर जिसके अंदर लाइट्स इंस्टॉल्ड है। आपको वैनिटी मिल जाती है, काला की एक्सेसरीज मिल जाती हैं, वॉल माउंटेड वार्डरोब मिल जाता है, हाईलाइटिंग लाइट्स मिल जाती हैं एंड सेपरेट बाथिंग एरिया मिल जाता है विद कंसील्ड एक्सेसरीज। इधर आपको इसका स्टोर एरिया मिल जाता है, आप ये देख सकते हैं 3 semicircular मिरर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरती से डेकोरेट किए गए हैं और इसको एक काफ़ी एलिगेंट लुक देते हैं एंड ये आपको इसका स्टोर एरिया मिल जाता है जिसमें आपको रैक्स वगैरह बना के दिए गए हैं, प्रॉपर आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए हुए कमेंट और नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करके आप इसकी और इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।